हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है इसमें मैं टेंडर के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी और मैंने बहुत जगह पर पोस्ट किए थे कि आज 5 फरवरी से टेंडर के रिगार्डिंग सभी वीडियो आने वाले हैं, यानी फ्रेंड्स मैं टेंडर के बारे में आपको हर एक जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं टेंडर के रिगार्डिंग मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूं और आप लोग टेंडर के बारे में क्यों जानेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डे बाय डे जो है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या वो बढ़ते ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप 2020 का साल देखें, 2020 का जो साल था वो पूरा कोरोना के कारण ही पूरा चला गया। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए कोरोना के कारण। तो मैं इसलिए टेंडर के रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियो बताना चाह रहा हूं कि आप इस टेंडर के रिगार्डिंग अगर आप वीडियो समझेंगे तो इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन पाएंगे, प्लस आप आत्मनिर्भर, यानी कि अपने भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने भी बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, यानी फ्रेंड्स कि आपको सेल्फ कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। आप ठेकेदार बनके यानी कि कॉन्ट्रैक्टर बनके आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मन में पहले से ये डाल दिया जाता है कि अगर ठेकेदारी करना है तो उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब जाके जो है आप ठेकेदारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ठेकेदारी यानी कि ठेका लेना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अगर आपको टेंडर लेना है, तो आपके पास में 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपया या 2,00,000 रुपया भी है, फिर भी जो है आप टेंडर ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप अर्न कर सकते हैं। वो कैसे अर्न करेंगे मैं आपको टोटल चीज़ जो है इस वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं सारे चीज़ जो है इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। अगर मैं कवर करूंगा तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा चला जाएगा, जो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसके सीरीज ऑफ वीडियो बना दूंगा, तो आप पार्ट बाय पार्ट कि जो है हर एक वीडियो आप देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेंडर के सारे सीरीज के अगर वीडियो देखेंगे ना, तब आप जाके जो है आपको पूरी तरह से नॉलेज आएगी कि आप टेंडर कैसे ले सकते हैं, प्लस आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हैं, आप अपना कंपनी ओपन करके यानी कि आप खुद का जो है प्राइवेट लिमिटेड फर्म या कोई भी आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करके आप बहुत ही अच्छा से 10-15 लोगों को आप जॉब भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंडर में नए नए टेंडर आएंगे यानी कि नए नए वर्क आएंगे। उस टेंडर को काम करवाने के लिए आपको मेन पावर रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या क्या इस वीडियो में देखेंगे, हम लोग पहले कंटेंट क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि टेंडर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेंडर कितने टाइप के होते हैं, प्लस मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट जो है टेंडर अपना इशू करती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको टेंडर के रिगार्डिंग में आपको जानकारी मिल पाए। अगर फ्रेंड्स आप बिगनर हैं यानी कि आप पूरा अगर स्टार्ट करना चाहते हैं कि टेंडर लेके आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप जब तक पूरी तरह से नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं टेंडर के सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे कि टेंडर क्या होता है। टेंडर को हम लोग हिंदी में निविदा भी बोलते हैं, आप लोग पता ही होगा, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर भी करके आप लोग पेपर में देखते होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको टेंडर के लिए इन्वाइट किया जाता है, कि आपको ऑफर किया जाता है कि आप टेंडर यहां पे फिल करें। ऐसे टेंडर को ठेका भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो आप एक तरह से इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है टेंडर का वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी अपना काम किसी दूसरे कंपनी से अगर वो करवाती है तो उसको हम लोग टेंडर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक कंपनी है YMW ग्रुप, ओके, मुझे अपने ऑफिस का रिनोवेशन करवाना है, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करवाना है। तो मैं अपने बजट के अनुसार मैं अपना एस्टिमेट तैयार करूंगा कि मुझे इस प्रकार से रिनोवेशन करवाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं अपना काम खुद से तो नहीं कर सकता हूं, मुझे उस काम के लिए किसी दूसरे कंपनी को देना पड़ेगा जो उस काम से रिलेटेड वर्क करता हो, तो मैं उस काम को उस कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा। ठीक है, तो मैं अपना एस्टिमेट जो है उसके सामने प्रेजेंट करूंगा कि मैं इस प्राइस पे आपको जो है अपना काम करने के लिए ऑफर कर रहा हूं। उसी में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत लोग कंपटीशन हो जाते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि नहीं सर, मैं इस काम को इतना में कर दूंगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि सर मैं 2% बिलो में कर दूंगा, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है सर नहीं मैं 1% अप में करूंगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर कम रेट में मुझे कोट करेगा मेरे काम को करने के लिए, डेफिनेटली मैं अपना काम जो है उसी कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे और जो भी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, यानी कि YMW ग्रुप और उस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो भी प्रोसेस हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडर प्रोसेस, यानी फ्रेंड्स यही टेंडर है। यानी कि फ्रेंड्स, मैं अपने कंपनी का काम करवाने के लिए किसी दूसरे कंपनी को मैं ऑफर कर रहा हूं और वो मेरा काम कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग टेंडर बोलते हैं। होपफुली फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा कि टेंडर क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि टेंडर कितने
कितने टाइप के होते हैं। देखिए टेंडर का टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टेंडर, दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं लिमिटेड टेंडर, और तीसरा जो टाइप होता है उसे बोलते हैं टेबल टेंडर, चौथा जो होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग नेगोशिएबल टेंडर बोलते हैं। अभी मोस्टली फ्रेंड्स हम लोग ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर पर बात करेंगे। और टेबल टेंडर फ्रेंड्स पहले हुआ करता था, जैसे कि जब ऑफलाइन टेंडर भरा जाता था उसको हम लोग टेबल टेंडर बोलते थे। फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि किसी भी विभाग में अगर टेंडर निकलता था तो वहां पे एक टेंडर बॉक्स लगा रहता था, जितने भी इच्छुक लोग अगर उसमें टेंडर डालना चाहते थे वो अपना मैनुअली फॉर्म जो फिल करते थे, प्लस जितने भी सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट है और फाइनेंशियल बिड के जितने डॉक्यूमेंट है वो सारे को मैनुअली अटैच करके उसको इनवेलप में भर के उसको सील करते थे, फिर जाके जो है उस टेंडर बॉक्स में वो डालते थे। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा जो है रंगदारी होता था, रंगदारी भी बोल सकते हैं, धांधली गिरी भी बोल सकते हैं। उस समय क्या होता था, जितने भी बड़े बड़े बिडर लोग होते थे उन लोग क्या होते थे वहाँ पे आ जाता था, बोले भाई तुम टेंडर नहीं डालोगे, तुम टेंडर नहीं डालोगे, यहाँ काम हम लेंगे। तो जब मैनुअली चलता था तब उस समय धांधली गिरी और जो रंगदारी जो है बहुत ज़्यादा चलता था। तो इससे निपटने के लिए यानी कि इससे ओवरकम करने के लिए सरकार ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल स्टार्ट किया, यानी कि ई टेंडरिंग सिस्टम स्टार्ट किया। फ्रेंड्स जितने भी पहले मैनुअली टेंडर होते थे अभी सब जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, यानी कि अब जितने भी टेंडर का प्रोसेस है सब ऑनलाइन हो चुके हैं, आपको ऑनलाइन ही टेंडर फिल करना है। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है यानी टेक्निकल डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल बिड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको स्कैन करके आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। जब से ई टेंडरिंग का सिस्टम आया उसके बाद से जितनी भी रंगदारी जितनी भी धांधली गिरी थी वो कहीं ना कहीं 95% तक कम हो चुकी है। आप कहीं पर भी टेंडर अपने इच्छा अनुसार रेट पर आप डाल सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के टेंडर होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन जो है अपना टेंडर इशू करती है। फ्रेंड्स अगर हम लोग पहला देखें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर है सभी जो है अपना टेंडर इशू करती है, उसके बाद जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और पीएसयू सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। पीएसयू में देखें फ्रेंड्स कोल इंडिया लिमिटेड, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है पीएसयू सेक्टर में। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो फ्रेंड्स आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इनिशियली जो है आप कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL से आप जो है अपना स्टार्टअप कर सकते हैं टेंडर लेने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी CPWD है, PWD है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवेज है, हॉस्पिटल्स है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, ये जितने भी सारे मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए फ्रेंड्स ये जो अपने टेंडर है टाइम टू टाइम जो है इशू करती रहती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या आप अपना कंपनी ओपन करके सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका है, के लिए दरवाजा खुला हुआ है, आपको बस ओपन करने की देर है। मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं टेंडर के रिगार्डिंग। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जो भी क्वेरी हो टेंडर के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको हेल्प करने वाला हूं। फ्रेंड्स मैं आपको सभी डिपार्टमेंट के टेंडर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो टेंडर अपना इशू करती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि टेंडर क्या होता है, प्लस कितने प्रकार के टेंडर होते हैं, प्लस कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन जो है अपना टेंडर इशू करते हैं, ये सारी चीज जो है मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपको टेंडर लेना है तो उसके लिए आपके कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह से होना चाहिए, यानी कि आपका कंपनी किस तरह से होना चाहिए, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करेंगे या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करेंगे, कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जिन भी लोगों को अगर टेंडर के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें, मैं आपको वहां आंसर करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।